Hey guys, welcome back to another vlog. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग ठीक होंगे. मेरा नाम है अवैस और आप लोग देख रहे हैं अवैस व्लॉग्स. सो दोस्तों, सीन कुछ यूं है, रात को हम आए हुए थे अजान की तरफ, तो पूरी रात यहीं पे स्टे किया हमने, मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त थे, और काफ़ी चिल मस्ती करते रहे हैं. अब सुबह के 7 बज चुके हैं. अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने अंदरून लाहौर में, और वहाँ पे जाके नाश्ता करते हैं और आपको भी दिखाते हैं आज हम क्या नाश्ता करेंगे. सो गाइज, अब हम यहाँ से चलने लगे हैं, और यहाँ से चलने से पहले मैं आपको मुतारिफ कराता चलूँ. ये हैं भट्ट साहब. भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है भट्ट साहब? ठीक ठाक. भट्ट साहब किधर जा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं जी नाश्ता करने. किधर जा रहे हो, किस जगह? अंदरून लाहौर में अभी जाके डिसाइड कर लेते हैं. Okay. मैं आपको सिर्फ यही बात करूंगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब. भट्ट साहब चावल मारी. ये हैं जी हमारे जुनेद साहब, और ये थोड़े शर्मीले टाइप हैं. अभी अपनी बच्ची के साथ लगे हुए हैं, मशू के साथ. खैर अभी इनको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. कहते हैं मैं अपने व्लॉग्स बनाऊंगा तभी आऊंगा. तो इनको आप जान सकते हैं, आड़ू भाई हैं. आड़ा भाई ना बोलना मेहरबानी. ये आड़ू भाई और ये हूँ जी मैं. और अब हम लोग निकलने लगे हैं व्लॉग के लिए और नाश्ता करने के लिए. अब अंदरून में जाके आपसे मिलते हैं. तो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं HBL बैंक के ऊपर, और अजान साहब यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, और जुनेद साहब और भट्ट साहब उसके तवे लगा रहे हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. हाँ निकल आ गया, माल आ गया. पैसा ही पैसा हो गया. किधर से है? कहाँ से है माल? है ना जिसने वो पठानों वाली 50 की लगाई हुई है. माल माल, अगर हम जूम करें तो ये देखिए स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं. दो नंबर लोकल है. अब हम लोग निकलने लगे हैं नाश्ता करने के लिए, और आपको जाके बताते हैं कि हम आज का नाश्ता कहाँ पे करते हैं. ले गाइस, अंदरून लाहौर की टिपिकल गलियों के अंदर घूमते हुए, और खैर नाश्ता ढूंढने निकले थे. एक देसी घी का हलवा खाया. तो देसी घी का जो व्लॉग था वो लास्ट मैंने लगाया था, तो मैंने कहा यार आज कुछ नया ट्राई करते हैं. यहाँ पे तो आए हैं, यहाँ से काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती हैं. तो अब हम लोग जा रहे हैं, एक जगह पता लगी है, वहाँ से बोंग मिलती है, चने वगैरह मिलते हैं, और वहाँ से ही ट्राई करेंगे. सो गाइज, ये फज्जा पाए वाला है. फज्जे पाए के साथ अल मशहूर आरिफ चटखारे वाला, जिसपे मैं व्लॉग पहले भी बना चुका हूँ, और वो आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, आसिफ बोंग पाए. अब मैं जा रहा हूँ उसके पास. इनके पास होते हैं बीफ के पाए, और बीफ की बोंग होती है, और साथ देसी मुर्ग चने होते हैं. तो अब मैं ट्राई करूँगा इनके चने, और आपको भी चेक करवाता हूँ कैसे हैं और इसकी प्राइस क्या है. ले जी, इनकी शॉप पे मैं आ चुका हूँ. सुबह के 8 बज रहे हैं, और बड़ी भूख लगी हुई है यार. आए इनसे पूछते हैं इनके पास नाश्ते में क्या क्या मिलता है, और फिर टेस्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक. क्या नाम है आपका भाई? मेरा जी मोहम्मद आसिफ. मोहम्मद आसिफ. अच्छा आसिफ भैया, मुझे बता सकते हैं कि आप क्या क्या लगाते हैं नाश्ते में? मेरा जी बोंग पाए का सेटअप है. अच्छा, काली मिर्च वाले चने होते हैं हमारे पास. काली मिर्च वाले चने, और बड़े के चने या छोटे के? नहीं नहीं, वो चिकन वाले होते हैं. सॉरी ये गलत बोल गया हूँ. ये अरे कहना क्या चाहते हो? क्या नाम है? बोंग जो है ये बीफ की है? बीफ ही होता है. बीफ में होते हैं आपके पास? अच्छा, और क्या प्राइस है इसकी? इसके 300-600 लार्ज और जो मीडियम है. जो गोल्डन होता है वो 150. जो गोल्डन होता है वो 150 का है. और ये कौन सी जगह है, आप जरा जगह का नाम बता. अच्छा, और कितना टाइम हो गया आपकी दुकान को? 10 साल हो गए. 10 साल हो गए. मैंने सुना था की आपकी दुकान पहले किसी और जगह पे थी. सेटअप आपका फूड सीट में था? अच्छा 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 अच्छा, सही. उसके बाद फिर इधर ले आए. चलें ट्राई करते हैं आपसे, अब दोनों चीजें ट्राई करते हैं. वो भी ट्राई कराएं आप हमें, और ये भी हमें ट्राई कराएं. ये पाए की बोटी होती है. अच्छा जी, ये बोंग की बोटी है. ये बोंग की बोटी है, ठीक है. साथ होती है लाल बोटी ये वाली. अच्छा, ये सारा मिक्स ही आएगा इसके अंदर? कोई मिक्स खा ले, कोई पाया खा ले, कोई बोंग खा ले. बोंग अलग भी ले सकते हैं और पाए अलग भी ले सकते हैं. ठीक ठीक ठीक. चले कराएं टेस्ट, ये भी कराएं और वो चने भी कराएं. मुर्ग चने इसमें काली मिर्च यूज़ है. काली मिर्च और वो क्या होती है? चने की यखनी होती है, और चिकन वगैरह भी होता है इसके अंदर. चलो ये तो जबरदस्त हो गया. सो गाइस, ये हैं जी आसिफ बोंग पाए, जो मैं दूर से दिखा रहा था आपको. और माशाल्लाह रश आप इनके पास देख सकते हैं, काफी ज्यादा लगा हुआ है. और जी यहाँ पे इनका बड़ा बेहतरीन सा सेटअप है, और अब मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कि कैसा जायका है इसका. ले जी गाइस, सबसे पहले आ चुके हैं हमारे नान, और ये स्पेशल कुर्चे हैं.
ये इनके हैंडमेड हैं, हार्ट के बने हुए हैं, इसमें दिल बना हुआ है, आप देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त से हैं। अब खा के देखते हैं किस तरह के हैं। नहीं जी गाइस, ये आ चुकी है हमारी बोंग पाए और इसके अंदर जो है इन्होंने मिक्स भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह। और आप खाने के बाद बताता हूँ मैं आपको किस तरह के हैं। अभी मैंने इनसे चने भी ऑर्डर करवाए हैं और मैं आपको दिखाता जाऊँ कि चने आप देख सकते हैं कलर देखें चनों का, ये ब्लैक पेपर के अंदर बने हुए हैं काली मिर्च के अंदर। और ये भी मैं ट्राई करने के बाद बताता हूँ। और इसके बाद इनके पास जी मज़े की चीज़ ये है कि मुर्ग का शोरबा भी मिलता है और वो भी मैं इनसे लिया, मैंने ऑर्डर किया, वो भी मैं आप खा के बताता हूँ किस तरह के। ये आप नान कुलचा देख सकते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी जी आप देख सकते हैं, ये दिखाओ इनको बाइट कितनी ज़बरदस्त है। और अब खाने के बाद बताता हूँ किस तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत मज़े की, वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। अब मैं इसके चने भी ट्राई करता हूँ, दिखाए चने। अब मैं आपको ये भी ट्राई करके बताता हूँ इनका कैसा टेस्ट है। ये आप देख सकते हैं चनों का कलर कितना बेहतरीन है, काली मिर्च के अंदर बने हुए हैं। इसकी फर्स्ट बाइट है, मैं खाने के बाद ज़्यादा मिर्च है। चने भी बेहतरीन, मज़ा आ गया। अब आप इनको ये दिखाएं, ये जी मुर्गे का शोरबा है। अब मैं ये भी आपको ट्राई करके बताता हूँ ये कैसा। यखनी भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको डिप करते हैं। बिस्मिल्लाह मान रही ये भी मजे की है, लेकिन चने और जो ये डिश है इसने मज़ा दे दिया। अब आपको खाने के बाद मिलते हैं। लें जी गाइस, जुनेद साहब अपनी फर्स्ट बाइट लेते हुए और बट साहब भी। हाँ जुनेद, कैसा लगा, मज़ा आया? बट साहब छुप के खा रहे हैं, बट साहब को कोई परवाह नहीं, बस अंदर जाना चाहिए। बट साहब कैसा लगा, कैसा लगा खाने? आप यहाँ पे आए, आप मेरा नाम ले, आपको 50% डिस्काउंट होगा। और ये सबसे बड़ा झूठ है। हाँ नहीं, इनकी एफर्ट, इन्होंने बड़ी एफर्ट की है, खाना सामने पड़ा हो तो बंदा क्यों नहीं पड़ता खाने को। खैर मेहरबानी बाट साहब, जोन साहब आपकी इंतजार करने की, अब बाद में मिलते हैं। सो गाइज, नाश्ता तो हमने कर लिया है, नाश्ता बड़ा मजे का था। रेटिंग और प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा वीडियो के। और अब हम लोग जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए, आए आपको बताते हैं लस्सी कहाँ से हम पीते हैं। तो जी मैं आपको बताता चलूँ, ये फजे पाए वाला है, आरिफ चटखारा है, उसके बिल्कुल सामने ये लस्सी वाले बैठे हैं। यहाँ से अब हम ट्राई करेंगे लस्सी। और आप देख सकते हैं कि ये अजान साहब, बट साहब और जोनी साहब खड़े हैं, लस्सी पी रहे हैं। हाँ भी कैसी लगी यार, मज़ा आया कि नहीं आया? बट साहब पहले कह रहे थे मलाई नहीं है, लेकिन मलाई भी आ गई है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अच्छा आप गुड़ी, अच्छा ना भाजी, अच्छा 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 सर, वाह जी वाह, कैसे हो भैया आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि। आमिर नाम है, अच्छा आमिर भाई, कितना टाइम हो गया दुकान को? लो जी उमर साहब भाजी के ने, उन्होंने आ गई शर्म। अच्छा कितना टाइम हो गया जी दुकान को? काफी देर हो गया भाई, मैं त्रीजा हो गया ना। कितने? 60 साल हो गए ना। 60 साल हो गए, अच्छा जी। और क्या क्या मिलते हैं जी? लस्सी मिल जाएगी, अच्छा दूध मिल जाएगा, ठीक है, दूध दही वगैरह मिल जाएगा, अच्छा। और लस्सी की क्या प्राइस है जी? लस्सी की प्राइस 100 रुपए। चलो फिर पिलाओ आमिर भाई, अच्छा जी तैयार करके रखे आज। नहीं नहीं मिलाई रहने दे, मैं इसी तरह पीऊँ। ले जी लस्सी देख सकते हैं, हाँ जी भाई साहब कैसा लगा टेस्ट? बहुत मजे की यार, मजा आ गया। जिधर लस्सी वाली की भी लस्सी पी है मैंने, उसकी भी ट्राई की है, वो निरा शहद है, इतना मीठा है कि आप पिए तो ऐसा लगता है अगले दिन आपको शुगर हो जाएगी। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला, चल। खैर इनकी जो लस्सी है आप दिखाएं, इनको लस्सी दिखाएं जरा। इनकी लस्सी बड़ी मजे की थी और मीठा भी लाइट था और अंदर लाइट सी मलाई वगैरह भी आ रही थी। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप में, अभी के लिए इजाजत दी। लो गाइस, अब जुनेद और बट साहब जा रहे हैं। लो जुनेद साहब, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके ओके जी अल्लाह हाफिज़। लो बट साहब अल्लाह हाफिज़। लॉर्ड द पावर अख्तर लावा। ओके जी।
लें गाइस यहाँ पे हम भी जा रहे हैं अपने रूम में और आपको मिलते हैं वहाँ पे जाके। लें गाइस मजे मजे के नाश्ते करने के बाद और लस्सी पीने के बाद यहाँ पे होता है हमारा व्लॉग खत्म। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो रस्ते में पीछे आ गई बादशाही मस्जिद, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी ही एक पायदार और बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ से जो भी गुजरता है वो लाजमी यहाँ पे रुक के पिक्चर्स और वीडियोस बनाता है। तो गाइस आज का हमारा व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शंस में बताएं कि आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब भी लाजमी करें और इस तरह के मज़ीद मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए हमें आप बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।